हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से आप अपने सोनी एक्सपीरिया C2305 फ़ोन की इंटरनल मेमोरी को इंक्रीज कर सकते हैं। ये मेमोरी इस पूरे प्रोसीजर के बाद में 0.98 से बढ़कर 1.97 GB तक हो जाएगी। इसके लिए कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को आपको फॉलो करना है और सबसे पहले अपने फ़ोन का सॉफ्टवेयर वर्जन आपको चेक कर लेना है। ये वर्जन 16.0.B.2.16 होना ज़रूरी है। इसे चेक करने के लिए आप अपने फ़ोन से इस डायलिंग स्ट्रिंग को यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी, जिनमें एक सॉफ्टवेयर है मोबाइल अंकल, जिसे कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एक रिकवरी इमेज फाइल की आपको ज़रूरत पड़ेगी, CWM रिकवरी इमेज फाइल की आपको ज़रूरत पड़ेगी, जिसको डाउनलोड करने की लिंक मैंने अपने वीडियो में दी हुई है। इसके अलावा एक और इमेज फाइल की आपको ज़रूरत पड़ेगी, जिप फाइल की आपको ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी लिंक भी आगे वाली स्लाइड में अवेलेबल है। सबसे पहले आपको ये करना है कि मोबाइल अंकल टूल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है अपने फ़ोन के अंदर। रिकवरी डॉट इमेज फाइल इस लिंक से आपको डाउनलोड कर लेना है और अपने SD कार्ड के अंदर उसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद में आपको मोबाइल अंकल टूल को ओपन करना है और मोबाइल अंकल टूल ओपन होने के बाद में आपको रिकवरी अपडेट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। मैं आपको यहां पर दिखाता हूं कि किस तरीके से आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए, मोबाइल अंकल टूल जब आप ओपन करेंगे तो यहां पर रिकवरी अपडेट का ऑप्शन मिलेगा। इस रिकवरी अपडेट ऑप्शन को सिलेक्ट करिए। जैसे ही इसको आप सिलेक्ट करेंगे तो आगे वाले ऑप्शन में आपने जो रिकवरी डॉट इमेज फाइल डाउनलोड की थी वो फाइल आपको दिखाई जाएगी। आपको इस फाइल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर यूज रिकवरी ऑप्शन को आपको ओके कर देना है। इसके बाद में आपको अगला जो ऑप्शन आएगा वो आएगा इस रिकवरी के साथ में फोन को रिबूट करने का, तो उस ऑप्शन को भी आपको ओके कर देना है। रिबूट इनटू रिकवरी मोड को भी आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद में सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको अपने इस फोन का CWM रिकवरी सॉफ्टवेयर की मदद से बैकअप तैयार कर लेना है। इसलिए क्योंकि जो फाइल स्टेप नंबर 2 में आप रिस्टोर करेंगे, अपलोड करेंगे अपने फ़ोन के अंदर, उससे आपका पूरा का पूरा डेटा, आपके कॉन्टैक्ट, मैसेजेस सारे डिलीट हो चुके होंगे। लेकिन इसमें डरने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि जो बैकअप आप बनाएंगे उस बैकअप से हम वापस से अपने फ़ोन को उसी कंडीशन में रिस्टोर कर लेंगे। तो इस इमेज फाइल को SD कार्ड में कॉपी करिए, मोबाइल अंकल टूल से रिकवरी अपडेट ऑप्शन को सिलेक्ट करिए, इस रिकवरी डॉट इमेज फाइल को सिलेक्ट करिए और अपने फ़ोन को रिबूट कर लीजिए। रिबूट होने के बाद में आपके फ़ोन के अंदर CWM बेस्ड रिकवरी के ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिखेंगे। तो यहाँ पर आपको बैकअप एंड रिस्टोर ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और उसके बाद में बैकअप ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और इस विजार्ड को आगे बढ़ा देना है। इसके बाद में आप ये सॉफ्टवेयर आपके फ़ोन का बैकअप बनाना शुरू करेगा, जिसमें करीब 10 मिनट का समय लगेगा। इस बैकअप को बन जाने के बाद में आप दोबारा से अपने फ़ोन को नॉर्मल मोड में रिस्टार्ट करिए और इसके बाद में अपने फ़ोन के अंदर एक जिप फाइल को और कॉपी करिए, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो में यहाँ पर दी हुई है। इस फाइल को आप कॉपी करेंगे और अपने SD कार्ड के अंदर दोबारा से उसको किसी भी लोकेशन में सेव कर लेंगे। जो लोकेशन पे आप सेव करेंगे उसे आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में अपने फ़ोन को दोबारा से स्विच ऑफ करेंगे और स्विच ऑफ होने के बाद में अपने फ़ोन का पावर और वॉल्यूम डाउन बटन एक साथ प्रेस करके रिस्टार्ट करेंगे। जब आप इसको रिस्टार्ट करेंगे तो दोबारा से CWM बेस्ड रिकवरी मोड में आपका फ़ोन रिस्टार्ट होगा और यहाँ पर आपको जो ऑप्शन सिलेक्ट करना है वो करना है इंस्टॉल जिप फ्रॉम SD कार्ड। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद में जहाँ पर आपने उस फाइल को सेव किया था, जिप फाइल को सेव किया था, उस फाइल को आपको सिलेक्ट करना है और इस विजार्ड को आपको आगे बढ़ा देना है। तो जो फाइल आप सिलेक्ट करेंगे डाउनलोड करके, जो आपने SD कार्ड में कॉपी की होगी स्टेप नंबर 2 में, वो फाइल से आपका फ़ोन दोबारा से रिस्टोर हो जाएगा। रिस्टोर होने के बाद में आप ये वेरीफाई कर सकते हैं कि आपके फ़ोन की मेमोरी जो पहले केवल 0.98 GB थी, वो फ़ोन की मेमोरी अब इंक्रीज हुई है या नहीं हुई है। तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। मैं अपने फ़ोन के अंदर आपको दिखाता हूं कि आप
जब इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर चुके होंगे तो आपके फोन की जो इंटरनल मेमोरी है वो आपका फोन कितनी शो करेगा। तो यहाँ पर देखिए 1.97 GB की इंटरनल मेमोरी शो की जा रही है और पहले जो मेमोरी अनयूज्ड 1 GB की थी वो रिड्यूस होकर 210 MB हो चुकी है। अब आप सारे के सारे सॉफ्टवेयर जिनमें कि आपको प्रॉब्लम आती थी इनसफिशियंट मेमोरी स्पेस की, उन सारे सॉफ्टवेयर्स को आप बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद में इस स्टेज पे आने के बाद में आपके फोन की मेमोरी तो बढ़ जाएगी लेकिन जो भी आपका डेटा था, एप्लीकेशंस थे, फोन मेमोरी थी, आपके कॉन्टेक्ट थे, मैसेजेस थे, सारे के सारे डिलीट हो चुके होंगे। अब अगर हम अपने फोन को उस इमेज के साथ में, उस रिकवरी के साथ में या उस बैकअप के साथ में जो कि हमने कुछ देर पहले बनाया था वापस से रिस्टोर करेंगे तो हमारी बढ़ी हुई मेमोरी भी मिलेगी और साथ ही साथ जो एप्लीकेशंस अभी आपको नहीं दिख रही हैं वो सारी की सारी एप्लीकेशंस वापस से दिखने लगेंगी, इसलिए क्योंकि आपका फोन प्रीवियस स्टेज में रिस्टोर हो चुका होगा। उसके लिए आपको फिर से फोन को शट डाउन करना है। शट डाउन करने के बाद में पावर और वॉल्यूम डाउन का बटन प्रेस करना है एक साथ और फिर से CWM बैकअप रिकवरी मोड में सिस्टम आपके फोन को ऑन कर देना है। ऑन होने के बाद में अब आपको रिस्टोर का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। रिस्टोर का ऑप्शन जब आप सिलेक्ट करेंगे तो आपने जो कुछ देर पहले बैकअप बनाया था आपका फोन उसको शो करेगा और उस बैकअप को आपको सिलेक्ट करके इस पूरे के पूरे विजार्ड को आगे बढ़ा देना है। थोड़ा सा समय लगेगा जिससे कि आपका फोन में ये वाला बैकअप वापस से रिस्टोर हो जाएगा। आप अपने फोन को नॉर्मली स्टार्ट करिए और अपने कॉन्टेक्ट्स या आपका डेटा जो भी आप नहीं देख पा रहे थे वो आप वेरीफाई कर लीजिए, सारी की सारी चीजें आपको बिल्कुल वैसे ही मिलेंगी। इसके लिए आपको इतना ही करना है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।